उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में पंचाल घाट गंगा घाट पर लगे मेला श्री राम नगरिया का शुक्रवार को विधिवत शुभारंभ हो गया, जिसमें हवन पूजन और दीपदान का भी आयोजन किया गया। दीपदान में बड़ी संख्या में दीपों से गंगा घाट का श्रृंगार किया गया था, जिससे गंगा घाट पर दीपावली सा माहौल नजर आया। दूसरी तरफ जूना अखाड़ा के संतों ने जिला प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आयोजित मेला श्री राम नगरिया के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और अपने अखाड़े के सामने बने गेट का फीता काटकर मेले का शुभारंभ कर दिया। मेला श्री राम नगरिया के उद्घाटन कार्यक्रम में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, फर्रुखाबाद सदर से भाजपा विधायक में सुनील दत्त द्विवेदी, भोजपुर से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, अमृतपुर से भाजपा विधायक सुशील शाक्य व कायमगंज से अपना दल एस डॉक्टर सुरभि के साथ CDO एम अरुण मोली, अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति, नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने फीता काट कर मेला रामनगरिया व विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। अलग फीता इसलिए काटा कि क्योंकि प्रशासन की अब हमारी जरूरत ही कहाँ है, क्योंकि जूना अखाड़ा के संत ही कहाँ है। यहाँ तो बस पैंट शर्ट वाले ही संत हैं, उन्हीं की व्यवस्था वो करते हैं, अखाड़े की क्या व्यवस्था करते हैं, अखाड़े से न मतलब रखते हैं। अभी हमने देखा है, कल आए थे जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने बच्चा स्वामी यहाँ तक गए थे, वहाँ से आलू खा के तुरंत चले गए, मेला का राउंड लेके वो आए, उन्होंने पूछा आज 15 दिन हो गए जूना अखाड़े के लिए यहाँ। आपने प्रशासन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है? इसलिए प्रशासन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, मैंने अपना उद्घाटन स्वयं किया है। रामनगरी का मेला हम लोगों के लिए एक मिलन है। जो भी भक्तजन है, जो माँ गंगा में विश्वास रखते हैं, जो भागीरथी के तट पर निवास करते हैं और अन्य जनपदों से भी यहाँ हमेशा से लोग आते रहे, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने और यहाँ के जो रामनगरिया मेला कमेटी है, उन लोगों ने भरसक प्रयास किया है, पूरा प्रयास किया है। यहाँ पे जितने भी कल्पवासी हैं, हमारे आदरणीय साधु संत हैं, श्रद्धेय यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं और जो बरसों से कल्पवास करते आ रहे हैं, जो नए लोग भी आए हैं, उनका पूरा सम्मान रखा जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।